गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग मैं हूं सुरबे इंडियन गर्ल इन यूरोप और मैं यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ बेसिकली आपको हेल्प करती हूँ अगर आपको यूरोप में या फिर जर्मनी में जॉब चाहिए या स्टडी करना आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है मास्टर्स इन जर्मनी आपने एक जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया था स्टडी इन लग्जमबर्ग जिसमें बेसिकली मैंने बताया था कि क्या स्टेप्स हैं कौन सी वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटी देखनी है और आप फ्री एजुकेशन कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक टू मास्टर्स इन जर्मनी कौन से कोर्सेज फ्री होते हैं ट्यूशन फीस नहीं होती है होती भी है तो कितनी फीस होती है कैसे आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सकते हैं या फिर आपके कौन से मिसकॉन्सेपन्स हैं जो आप छोटे वीडियो लाइक जो आप रील्स देखते हो या लोगों के वीडियो दो देखते होंगे वो भी आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में अच्छा गाइज इस वीडियो में है एक बहुत ही अच्छी चीज जो कि वीडियो के एंड में है जिसमें मैं एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ और उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज जो है वो प्लान कर पाऊं तो प्लीज कमेंट करना लाइक एंड तक देखना और कमेंट करना मत भूलना और वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिसकॉन्सेप्शंस जो आपके दिमाग में हैं तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है सभी के दिमाग में जब आप फ्री एजुकेशन इन जर्मनी फ्री एजुकेशन इन लग्ज़म्बर्ग या और किसी कंट्री में जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि एकदम एकदम जो है वो जीरो यूरो जीरो रुपीज़ में आप एजुकेशन कर लोगे जो बात बिल्कुल गलत है फ्री एजुकेशन का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपका जो ट्यूशन फीस होगी वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो जो है वो ज़ीरो होगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में किसी भी कॉलेज से एजुकेशन करते हो तो पर सेमेस्टर आपको कोई ना कोई फ़ीस देनी होती है लाइक like मैंने एक ऑटोनोमस कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करा था जिसमें मैंने अराउंड थर्टी थाउजेंड पर सेमेस्टर जो है वो फ़ीस पे करी थी जो उस टाइम पे काफ़ी कम था बट अगर अभी हम बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है हो सकता है अभी सेमेस्टर फीस जो है वो फिफ्टी थाउजेंड से सेवेंटी थाउजेंड हो आई डोंट नो आप कमेंट करना कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सेमेस्टर पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी है आई विल बी वेटिंग फॉर यू तो ये जो हो गई ये हो गई फीस जो पर सेमेस्टर या पर ईयर आपको पे करनी होती है वो जर्मनी में जो है वो फ्री है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में बहुत सारी हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो एजुकेशन है या ये जो ट्यूशन फीस है वो जीरो है ऑफ कोर्स कुछ स्टेट्स में जो है वो फ़ीस आपको पे करनी होती है जैसे वार्डन वोटम्बर्ग हो गया जिसमें आपको कुछ फ़ीस पे करनी होगी चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो अभी अभी न्यू यूनिवर्सिटीज़ लाइक टी ने भी जो है वो फ़ीस इंट्रोड्यूस कर ली है बट इसके अलावा बहुत बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ट्यूशन फीस जो है वो अभी भी ज़ीरो है बिफोर स्टार्टिंग कि यूनिवर्सिटी आप कैसे सर्च कर सकते हो वो भी मास्टर्स इन जर्मनी के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने ये सुना होगा कि जर्मन लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्मन में ही सारे कोर्सेज होंगे तो ये भी जो है वो एक मिसकॉन्सैप्शन है मास्टर्स के लिए काफ़ी काफ़ी सारे कोर्सेज जो होते हैं यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश में होते हैं आप जो है वो उस पे कर सकते हैं अभी मैंने आपको बात करी थी कि मिसकॉन्सेप्शन है फीस का कि बिल्कुल ज़ीरो में आप जो है वो पढ़ाई कर लोगे नहीं यहाँ पर अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी जाता है जिसकी फ़ीस जो है वो ज़ीरो है उसके बाद भी आपको अपने एक्सपेंसेस जो होते हैं जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं जो uh, 800 यूरोस टू 1200 यूरोस होते हैं अराउंड 70,000 टू वन लाख समथिंग वो जो है वो आपको खुद उठाना होता है जिसके लिए कोर्स आपको पहले से पहले ये जो अमाउंट है वो दिखाना होता है यहाँ की गवर्नमेंट को वीजा के टाइम पे उसके बारे में हम बाद में आएंगे तो अगर आप देखो तो आपका जो पर ईयर का खर्चा है वो अराउंड टेन लैक्स जो है वो होगा ही जो कि मंथली एक्सपेंसेस आप जो खर्च करोगे उसके लिए आपको रखना ही पड़ेगा अदर थिंग लोगों के मन में लाइक like स्टूडेंट्स के दिमाग में ये मिसकसेप्शन होता है कि यहाँ जर्मनी में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है बहुत कॉम्पिटेटिव है हम अप्लाई भी कर देंगे सारी प्रोसेस फॉलो भी कर देंगे तो भी हमारा बहुत मुश्किल से होगा तो मैं आपको ये बता देती हूँ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है या बिल्कुल भी कॉम्पटेटिव नहीं है ये ज़रूर मैं बोलूँगी कुछ कोर्सेज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पटिव होते हैं बट कुछ कोर्सेस नहीं होते हैं जिसमें ईजली आपको एडमिशन मिल सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जी आर ई जी मैट मांगते हैं इसमें आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं कभी कभी आपको फर्दर बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होता है कोर्सेस तब भी ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है और आपका एडमिशन मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं ये पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स जो है वो चूज कर रहे हैं कोर्स कैसे चूज करेंगे वो अफकोर्स हम आएंगे अभी नेक्स्ट स्टेप्स पे तो एक के बाद एक सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कभी कभी क्या होता है जब हम जॉब स्टार्ट कर देते हैं एक दो साल का एक्सपीरियंस हो जाता है हमारी लाइफ जॉब लाइफ जो होती है वो बहुत एक जैसी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें एक मूव एक पुश जरूरी है जिसके लिए हमें अफकोर्स मास्टर्स के लिए सोचना होता है कि यार मास्टर्स करा जाए हमारा जो करियर है उसमें एक बूस्ट मिलेगा और हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी प्लस हमें अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा या एक्सपीरियंस रहेगा ये सही बात है क्योंकि आप एक बार जब बैचलर करते हो उसके बाद जब आप मास्टर्स करते हो तो बैचलर के बाद और मास्टर्स के बाद करियर का जो एक्सपोजर होता है या आपका जॉब्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं ऐसे में अगर आप जर्मनी में एजुकेशन करते हो वो भी कम से कम एफोर्डेबल अगर करते हो मास्टर्स वन ईयर का या टू ईयर का तो इसमें आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अगर आपकी इंडिया में लाइफ ऐसी हो गई है कि यार अब तो बूस्ट मिलना चाहिए मास्टर्स करना चाहिए तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू बिकॉज आप जो आपकी सेविंग करी होगी आपने दो साल में या तीन साल में वही यूज करके यहाँ पर एजुकेशन कर सकते हो और हाँ कोर्स आप एजुकेशन करने के साथ ही साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हो तो इन केस अगर आपने सोचा कि यार दस लाख पर ईयर जो है वो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा तो आप पार्ट टाइम जॉब्स करके कुछ ना कुछ जो है वो कमा सकते हो इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ और हाँ आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो इफ यू हैव वेरी गुड हिस्ट्री एजुकेशन हिस्ट्री तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप मिलने के भी अब हम चलते हैं कि आपको कैसे मास्टर्स के लिए सर्च करना है पढ़ाएंगे किस सिटी में है वो सब कुछ आपको देखना होगा तो सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश जो कि आपको माई जर्मन यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे सारी ही यूनिवर्सिटीज जितनी भी जर्मनी में है तो सलेवन से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी पब्लिक प्लस प्राइवेट प्राइवेट में कुछ फीस होती है तो अगर आपको ज़्यादा फीस पे नहीं करनी है तो आप वो ऑप्शन स्किप कर सकते हो पर पब्लिक जो है यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है तो जो माई जर्मन यूनिवर्सिटी की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी माई जर्मन यूनिवर्सिटी पे अगर आप जाओगे तो आपको सारे ही कोर्सेज दिख जाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अब मैं आपको एक क्विक गाइड शेयर करती हूँ जो कि है मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट मैंने भी मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी किया है तो ये पर्टिकुलर फील्ड में मैंने सोचा क्यों ना मैं देखूँ और आप देखो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन है बहुत कम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं यहाँ पर दो प्रोग्राम अवेलेबल हैं और सारी ही डिटेल्स लाइक टाइनी टाइनी डिटेल्स भी जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी लाइक like, डोनेशन क्या है ट्यूशन फीस क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब हम जाते हैं थोड़ा ब्रॉडर एरिया में जैसे कि मैं गई बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में यहाँ पर थाउजेंड प्रोग्राम से भी ज्यादा हैं, जो कि क्रेजी है ना थाउजेंड प्रोग्राम से भी ज्यादा इतने सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो एक के बाद एक अगर आपकी चॉइस में है ये अब आप सिटी को अगर सेलेक्ट करोगे ब्राउज करोगे कोर्सेज लियनबर्ग में जो है वो ट्यूशन फीस नहीं है दो साल का कोर्स है एंड देन आपको अगर ये पर्टिकुलर कोर्स करना है लाइक बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स तो विदाउट कोई ट्यूशन फीस में वो भी ल्यूनबर्ग में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो द बेस्ट थिंग इज ल्यूनबर्ग जो है वो इतना ज्यादा महंगा नहीं है तो एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा नहीं होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो अब अगर आप कोर्स पे जाओगे तो आपको ये भी दिखेगा कि आपको कौन सी डिग्री मिलेगी जब आप ये पर्टिकुलर मास्टर प्रोग्राम पूरा कर लेते हो तो वॉट इट इज़ कॉल्ड क्योंकि इंडिया में कुछ अलग बोलते हैं यहाँ पर कुछ अलग बोलते हैं मेरा जो पर्टिकुलर डिग्री है उसे बोलते हैं मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पर बोलते हैं एम तो आपकी डिग्री को क्या बोला जाएगा वो भी वहाँ पर लिखा है देन डेड क्या है तो आपको कब तक जो है वो अप्लाई करना है टाइप ऑफ प्रोग्राम क्या है कितनी सीट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कितनी सीट्स हैं अगर कम सीट्स हैं तो कम चांसेस होंगे ज़्यादा सीट्स हैं तो ज़्यादा चांसेस होंगे स्टार्ट डेट कब से है ड्यूरेशन क्या है लैंग्वेज क्या है जैसे ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन अब आ गया सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो इम्पॉर्टेंट होता है जो हर मंथ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है जो आपको देना पड़ता है पर सेमेस्टर तो पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर थ्री ट्वेंटी हर एक प्रोग्राम का या हर एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है सो so फ्रॉम 100 टू हंड्रेड यूरो किसी का हंड्रेड ही होता है किसी का थ्री ट्वेंटी जैसे इसका हुआ किसी का टू फिफ्टी होता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होता है जो आपको देना ही होता है पर इसमें आपको बहुत सारे बुक एक्सेस होते हैं स्टडी एक्सेस होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो ये आपको देना इम्पॉर्टेंट होता है और ये पर्टिकुलर आप मान लो फीस होती है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर अगर आप दो साल का कोर्स कर रहे हो तो दो सेमेस्टर होते हैं एक साल में तो 320 ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी एंड देन थ्री ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी इतना जो है वो आपका खर्चा होगा एक फीस की अगर हम बात करें अब आपने अपनी रिसर्च कर ली है आपने चूज कर ली है सारी यूनिवर्सिटीज़ की यार मुझे ये 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 करना है आप सबको अप्लाई करो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर देना है लेटर ऑफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है और भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपको देखना है पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलूंगी कि फिंटिबा जो है वो आपके लिए एक डिजिटल गाइड देता है उनका एक कंपेनियन टूल है जिसमें एक डिजिटल गाइडलाइंस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कब और कहाँ पर आपको कैसे चीजें जो है वो करना है जो आपको ईजी हो जाएगा कि ओके okay, यूनिवर्सिटी में अप्लाई ऐसे करना है उसके बाद मुझे क्या क्या अरेंज करना है उसके बाद क्या अरेंज करना है तो आपको एक डिजिटल चेकलिस्ट होगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और ये जो कंपेनियन टूल है ये एकदम फ्री रहेगा तो अगर आपने सोच लिया है कि आपको एजुकेशन करनी है मास्टर्स करनी है तो आप अभी के अभी रजिस्टर करवा सकते हो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी इस टूल की अब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है और मान लो कि आपको यूनिवर्सिटी से जो है वो लेटर आ गया है कि हाँ यार यू आर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट चीज होती है वीजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं ब्लॉक्ड अकाउंट ब्लॉक्ड अकाउंट वो होता है जैसे मैंने आपको बोला कि आपका जो एक्सपेंसेस है जो मंथली एक्सपेंसेस है जो ईयरली एक्सपेंसेज है उसके लिए आपको यहां आने से पहले ही कुछ अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवाना होता है तो वो अमाउंट कुछ एलेवन यूरो के लगभग होता है दस लाख के लगभग जिसके लिए आप लोन भी ले सकते हो लोन की डिटेल्स भी आपको कंपेनियन टूल में मिल जाएगी तो आप वहां पर चेक कर सकते हो या अगर आपको और कहीं से लोन लेना है या अगर आपको फैमिली से अरेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो आपको करवाना होता है, करवाने के लिए, जो है, वो है। बिल्कुल मिनटों में जो है वो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा ये पार्टनर है बहुत टाइम से जर्मन बैंक के साथ जिसकी वजह से आपका मनी जो है वो हाईली सिक्योर है सेफ है और इजी टू यूज है जर्मनी आने के बाद और हाँ, एक और बहुत अच्छी बात है कि आप अगर फिंटीबा से अपना ब्लॉग्ड अकाउंट करवाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप ऑप्शंस जो हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो तो फिनटीपा के पास भी बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं जो भी आप अप्लाई कर सकते हो जो भी एक बहुत ही अच्छा चांस होगा कि आपने जो ब्लॉग कराया है अमाउंट या आपके जो एक्सपेंसेज हैं उसमें से कुछ जो पैसे हैं उसमें से कुछ जो मनी है वो आप स्कॉलरशिप से निकाल सकते हो तो अगर आप फिनटीपा के कस्टमर हैं तो ये आपके लिए एडवांटेज होगा बस एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको 24 फोर आवर्स का इंडिया सपोर्ट मिलेगा इस ई मेल से जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि यू आर स्टक या कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट है और कुछ प्रॉब्लम आई तो आप जो है वो कभी भी आप यहाँ पर जो है वो मेल कर सकते हो और आपको 24 फोर आवर्स का सपोर्ट मिलेगा जो बहुत कम होता है पर यहाँ पर आपको फिंटिबा के साथ ये पॉसिबल है प्लस अभी जो है वो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको नाइन्टी यूरो का ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एकदम फ्री मिलेगा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीजा के लिए बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो ये थी गाइडलाइंस कि आप कैसे अपना मास्टर्स प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर सकते हो वो भी फ्री मास्टर प्रोग्राम कितना खर्चा आएगा जो कि मिसकॉन्सैप्शन होगा अगर आपको कि बिल्कुल भी नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है आपको कितना रुपया अरेंज करना पड़ेगा वो भी आपको एक रफ फिगर्स जो है वो दिमाग में आ गया है उसके लिए आप लोन ले सकते हो आप स्कॉलरशिप्स ऑप्शन जो है उसको भी अवेल कर सकते हो जैसे मैंने एक बहुत अच्छा रील बनाया था अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें कि मैंने बताया था कि फुली फंडेड ऑप्शन कौन से होते हैं जर्मनी में जिसमें आपको पूरी फीस जो है वो माफ हो जाती है या कुछ ऑप्शंस या कुछ स्कॉलरशिप्स में कुछ फीस आपको मिलती है या एकोमोडेशन फ्री मिलता है ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो रील आप देख सकते हो प्लस मैं टाइम टू तो टाइम ऐसी रील्स जो है वो पोस्ट करती रहती हूँ जो कि आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर जो है वो इस तरह की स्कॉलरशिप्स जो है वो आप लोगों के लिए निकालती रहती हैं तो अगर आपका एजुकेशनल

और सबसे अच्छी बात यह है मैं इंडिया आने वाली हूँ दिसंबर से जनवरी के बीच में और मैं मीटअप्स प्लान करने वाली हूँ जो कि मैं बैंगलोर में दिल्ली में और भोपाल में इन जगह पर मैंने जो है वो लिस्ट आउट किया है अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन आई दम बैंगलोर डेली या फिर भोपाल तो मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ मैं आपको गाइड करूँगी कि आप कैसे अपनी जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज कर सकते हो यहाँ पर जर्मनी में और एफोर्डेबल जो है वो पढ़ाई कर सकते हो या आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है हम वो बात कर सकते हैं या इन जनरल अगर आपको हमसे मिलना है तो आप बैंगलोर दिल्ली या फिर भोपाल में हमसे मिल सकते हो प्लस मेरा एक एजेंडा है कि मैं इस बार कम से कम कम से कम हजार लोगों की हेल्प करके ही इंडिया से वापस आऊंगी तो मैं अपने स्कूल भी जाने वाली हूं मैं अपने कॉलेज भी जाने वाली हूँ और मैं वहां पर गाइड करूंगी कि आपको कैसे यहाँ पर स्टडी के लिए आना चाहिए प्लस जॉब्स के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आपको क्या गाइडलाइन फॉलो करनी होगी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम मिलेंगे तो आपको उसके लिए मुझे कमेंट पड़ेगा कि आप किस लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो और आप आ पाओगे या नहीं आ पाओगे जितने ज्यादा लोग वहां पर आ पाएंगे उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी क्योंकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा से जादा लोग आ पाए तो।, तो इसके लिए आपको जो है वो कमेंट करना पड़ेगा प्लस ये वीडियो जो है वो शेयर करना पड़ेगा अगर आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली है कलीग्स हैं जिन्हें भी ऐसा लगता है कि यार एक हेल्प चाहिए तो फ्री हेल्प के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे क्योंकि हम इस का कोई चार्ज नहीं करेंगे इनफैक्ट हम चाय पे चर्चा करेंगे या फिर हम कहीं पर बैठ के खाएंगे पिएंगे और मीटअप करेंगे और मैं भी मिलना चाहती हूँ आप लोगों से और बात करना चाहती हूँ कि आप कब से हम लोगों के वीडियोस देख रहे हो कितना आपको हेल्प करा है या फिर आपके फ्रेंड्स अगर ऑलरेडी मूव कर गए हैं वीडियोज देख के तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम उस दिन बात करेंगे तो आई एम वेटिंग फॉर यू वेटिंग 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 कमेंट 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 शेयर 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 Or if you like this video, do not forget to like, share, and subscribe, and milte the next vlogmas.